बिग बॉस के घर में हर दिन इक्वेशंस डेफिनेटली बदलती रहती हैं। वैसे ये चीज मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज हाल ही में दीपिका जो कि काफी टाइम से केवी के साथ गेम खेल रही हैं, केवी के साथ उनको सपोर्ट करके उनके साथ साथ चल रही हैं, लेकिन हाल ही में दीपिका और मेघा दोनों ही करणवीर के अगेंस्ट नजर आई और श्रीसंत को सपोर्ट करती हुई नजर आई। और वो इसीलिए बिकॉज जब करणवीर जो कि घर के फिज कैप्टन है उनको ये कहा गया कि उन्हें दो कंटेस्टेंट्स के नाम देने हैं जो नियम बहुत उल्लंघन करते हैं जो कि सजा के हकदार बनेंगे। ऐसे में सभी लोग कहीं ना कहीं श्रीसंत का नाम ले रहे थे लेकिन काफी लोग रोमिल का भी नाम ले रहे थे क्योंकि अगर ओवरऑल बेसिस पे देखी जाए बात तो रोमिल जो है वो कहीं ना कहीं घर के रूल ज्यादा ब्रेक करते आए हैं अगर शुरुआती सीजन से देखा जाए, शुरुआत से देखा जाए तो। लेकिन जो करणवीर है वो फाइनल डिसीजन ये लेते हुए नजर आए कि श्रीसंत और रोहित जो है वो सजा के हकदार बनेंगे। अब इस चीज पर दीपिका और मेघा ये दोनों ही लोग करणवीर को सपोर्ट नहीं करती हुई नजर आई और दोनों ने ही कंप्लेन की कि केवी दिस इज रॉन्ग, आपको रोहित के साथ साथ आपको रोमिल को डालना चाहिए था। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर ने जो डिसीजन लिया वो उस दिन के बेसिस पे लिया क्योंकि अगर स्टार्टिंग के एपिसोड की हम बात करें तो जैसे कि हम सबने देखा कि श्रीसंत जो है वो अपना माइक उतार कर फेंक देते हैं और फिर केवी के काफी कहने के बावजूद वो अपना माइक नहीं पहनते हैं और गाली भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं केवी का जो डिसीजन था वो राइट था लेकिन मेघा और दीपिका ये दोनों ही श्रीसंत को सपोर्ट करती हुई नजर आई। तो दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि दीपिका कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही श्रीसंत को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है, ब्लाइंडली फॉलो कर रही है और साथ साथ अब उनकी चापलूसी करने में शायद मेघा भी जुड़ गई है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखने में आ रहा है। हो सकता है ये उनकी खुलेआम स्ट्रैटेजी हो क्योंकि श्रीसंत सबसे ज्यादा दिख रहे हैं तो उनके साथ रहकर वो दिखना चाह रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए एंड प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।